हेलो दोस्तों, मैं हूं तबरेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एच एल एफ वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड इंटर नामांकन के लिए जो थर्ड मैरिट लिस्ट है वो जारी हो गया है। दोस्तों, जो बिहार बोर्ड इंटर नामांकन के लिए है वो थर्ड मैरिट जारी हो गया है। आप कैसे चेक कर सकते हैं मेरा किस कॉलेज में मेरा नाम गया है, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो, जो सब्सक्राइब वाले बटन दिख रहे भाई लाल वाले, उसको सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन दबा दो। इससे क्या होगा, जब भी मैं अगर वीडियो को अपलोड करूँगा तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहेगा नोटिफिकेशन में। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र वाले ऑप्शन में चला जाना है, यहाँ पर सर्च करना है OFSS। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, तो आप सिंपली वहाँ से भी जाकर खोल सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च किया, आपको ऊपर वाले पर सर्च करना है OFSS ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर एडमिटमेंट, ठीक है? तो सिंपली आपको चेक करने के लिए कहाँ जाना है, आप जो दो तरीका मैं बताऊँगा चेक करने के लिए आप कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं तरीका ये बता रहा हूँ, आपको 3 लाइन डॉट पर जाना है। यहाँ खुलने के बाद जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपको भी एक तरीके से ऑप्शन आएगा एक स्टूडेंट लॉगिन का, ठीक है? यहाँ पे आपको एक बार सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, सिंपली आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों, जिसमें आप ऑनलाइन कराने गए थे उसमें आपको मोबाइल नंबर पूछा गया होगा, तो आपको सिंपली वही नंबर डालना है। उस नंबर पर आपको 5 अंक का वो पासवर्ड आएगा, सिंपली आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है? यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, ये कैप्चर जो दिख रहे हैं यहाँ पर, आप कैप्चर फिल करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देगा, ठीक है? तो मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ फिल। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया जो मेरे पास आया था उससे मैं ऑनलाइन कर रहा था। बस ये जो कैप्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर डाल देना, बस आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया कर देना, ठीक है? तो मैं फटाफट इसको क्लिक करके करने के बाद आपको क्या खुलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये ऐसा है कुछ इंटरफेस खुला, तो सिंपली आपको इसी तरीके से खुल जाएगा, ठीक है? अपने मोबाइल से चेक करने के लिए अब आपको कहाँ जाना है, ये जो 3 लाइन डॉट दिख रहे हैं सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना भाई, ठीक है? जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपको भी इसी तरीके से क्लिक करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपको भी इसी तरीके से क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन, प्रेफरेंस, प्रिंट कैफे, डाउनलोड एनिमेशन, सिंपली आपको इस पे वाले बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड एनिमेशन, ठीक है? तो मैं इसको फटाफट क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरा ये खुल गया, मेरा ये थर्ड मैरिट लिस्ट में नाम आ गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको जरा सा आप ऊपर करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा किस कॉलेज में हुआ है, यहाँ पर आपको कॉलेज बता देगा, यहाँ पे हुआ है इंटर विद्यालय नरहट, ठीक है? साइंस में आपको इस विद्यालय में नामांकन हुआ है, मतलब आप जाकर कहीं से भी साइबर कैफे से आप निकलवा लें इस डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर आपको अपने कॉलेज में जाके आप निकलवा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ चेक करने के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, ये सबको आपको क्या करना है, कट कर देना है। देखो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा थर्ड मैरिट लिस्ट में आ गया, मैं आपको बता दिया चेक करने का तरीका। तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर जाना है, फिर से आपको वही वाला ऑप्शन पर सर्च करना है OFSS। जैसे कि मैंने सर्च किया, आपको फिर से वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो सिंपली आपको एक ऑप्शन खुलेगा, ये आप देख सकते हैं आवेदन इंटरमीडिएट, ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपको क्लिक करते ही आपके सामने बारकोड एक मोबाइल नंबर खुलेगा। सिंपली आपको जो जिसमें ऑनलाइन कराने गए थे आपको सामने एक कागज़ दिया होगा, उसके ऊपर एक बारकोड लिखा हुआ होगा नंबर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो बारकोड क्या होता है, ठीक है भाई? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सिंपली आपको भी इसी तरीके से एक ऑप्शन है खुला होगा, मतलब पेज दिया होगा ऑनलाइन करते समय, तो ठीक है, आपको भी इसी तरीके से खुलना है। ये जो ऊपर वाले बारकोड दिख रहे हैं आपको 19J, आपको वहाँ पर बारकोड डालना है, ठीक है? वो बारकोड वहाँ पर डाल देना है, ठीक है? जहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर डालना है आपको, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर देख लो, ये बारकोड यहाँ पर डालना है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप मोबाइल नंबर डाला, जो मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन कराते समय दिए थे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको डाल लेता हूँ, फटाफट फिल कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको इसी तरीके से चेक करके भी बता देता हूँ। तो भाई, आप देख लो, यहाँ पे मैंने अपना बारकोड नंबर डाल दिया, ठीक है? यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, ये जो कैप्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है? आपको प्रिंट वाले बटन पर फिर फटाफट कर देना है सब कुछ फिल करने के बाद। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपको भी इसी तरीके से पेज खुलेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, जरा से ऊपर करना है। क्या करना भाई, जरा से ऊपर करना है इसको। देखो मैं बता दूँ क्या करना है आपको, ये जो जरा सा इसको ऊपर कर देना है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अशफाक आलम मोहम्मद मुख्तरी, ठीक है? आपको क्या करना है, फिर से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड एनिमेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पेपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है? तो बस आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो मैं सेव करने के लिए बता देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, ये जो 3 लाइन डॉट दिख रहे हैं सिंपली आपको यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आपके सामने कुछ एक शेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है भाई? अगर आपके सामने कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे जाकर सेव कर सकते हैं सिंपली। तो मैं बता दिया आपको भाई कैसे चेक कर सकते हैं। यार फटाफट जाओ, जल्दी से सेव चेक कर लो यार, मेरा नाम आया कि नहीं आया, ठीक है भाई? तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई एक कमेंट कर दो यार, एक वीडियो को लाइक कर दो भाई, साथ में सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी चेक कर सके। तो भाई ठीक है, मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।